जैन फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट के मास्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था कि जो सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन का जो फॉर्म है वो कब अवेलेबल होगा, तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, जो सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची का जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो चुका है। जो भी स्टूडेंट सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, उनका जो फॉर्म है वह अवेलेबल हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे उनका जो फॉर्म का चार्जेस क्या है, टाइमिंग क्या रहेगा, फॉर्म कब से कब तक मिलेगा, इस मोड पे आपका जो फॉर्म है वो मिलेगा ऑनलाइन मोड पे या ऑफलाइन मोड पे, तो इस वीडियो के थ्रू पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे इस तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी कॉलेज का कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ से जाके आप हमको फॉलो कीजिएगा और वहाँ से आप हमसे डायरेक्टली मैसेज पर बात कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पे और गूगल बाबा में लिखेंगे सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची। जैसे ही आप सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची आप जैसे ही सर्च करते हैं, आपके सामने यहाँ पर सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यह है सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची के कुछ फुटेज यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। ये सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची का फ्रंट का बिल्डिंग का कुछ व्यू है और ये देखिए ग्राउंड का व्यू है, ये बिल्डिंग का ऊपर से व्यू लिया गया है। ये पवेलियन बनाया गया है ग्राउंड के बगल में, न्यू ये ग्राउंड का है। यह अंदर का कुछ व्यू है, यह पार्किंग एरिया है, साइकिल पार्किंग बाइक पार्किंग के लिए भी एरिया बनाया गया है ग्राउंड के बगल में। और ये जो न्यू ड्रेस कोड है, पहले कुछ ड्रेस कोड अलग था, अब जो सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची का जो ड्रेस कोड है अब चेंज कर दिया गया है। अब देख सकते हैं कितना सुंदर तरीका से यहाँ पर व्यू लिया गया। यह पहले का जो प्रिंसिपल थे ये थे फ्लोरेंस कुजूर और ये वाइस प्रिंसिपल थे, अब जो यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो चुके हैं, न्यू प्रिंसिपल आए हैं कुछ दिन पहले। तो चलिए आपको ले चलते हैं सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची के वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं जो सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची का वेबसाइट है उसे तैयार नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रहा है कि जो आपका जो फॉर्म है वो कब अवेलेबल होगा, फॉर्म का लास्ट डेट क्या रहेगा, चार्जेस क्या लिए जाएंगे, कितने टाइमिंग से कितने टाइमिंग तक आपका जो फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया गया है सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची का वेबसाइट में। लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूँ जो आपका जो सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची का जो फॉर्म है वह अवेलेबल हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मिलेगा या ऑफलाइन मिलेगा, तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ जो सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज रांची है वो किसी प्रकार का आपको ऑनलाइन का सुविधा नहीं देती, आपको जितने भी सारे काम हैं वो आपको ऑफलाइन ही कराने होंगे। तो फॉर्म की बात करें तो आपको फॉर्म कॉलेज के ऑफिस में ही जाके आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे फॉर्म के चार्जेस क्या, तो फॉर्म के चार्जेस 400 से 800 के बीच आपका जो फॉर्म का चार्जेस लिया जाएगा। टाइमिंग की बात करें किस टाइमिंग पर आपका जो फॉर्म है वो मिलेगा, तो 9 AM से 12 PM तक आपको जो फॉर्म है वो कॉलेज के काउंटर पे आपका जो फॉर्म है मिलेगा। आपको फॉर्म ले लेना है, फॉर्म फिल करना है, आपको फ़ोटो भी पासपोर्ट साइज लेके जाना है, सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट का मैं एक अलग से वीडियो बना के लाऊं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। इसी प्रकार आपको डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज के ऑफिस में ही आपको सबमिट करना है। ऑनलाइन किसी प्रकार का कोई भी सुविधा आपको नहीं मिलेगा। और आपका जो सिलेक्शन लिस्ट की बात करें, सिलेक्शन लिस्ट भी आपको कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे ही मिलेगा, ऑनलाइन आपको किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए। और मैं एक ज़रूरी बात बतला देना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉलेज में एडमिशन लेने के चलते अदर कॉलेज का जो फॉर्म है वो फिल नहीं करते हैं, तो बहुत ही बड़ा गलती होता है। किसी कारणवश से अगर आप उस कॉलेज पर एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो बहुत सारे कॉलेज का ये कंडीशन होता है, अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ जो जो आपको कॉलेज एक मेन चूज़ कर लेना है 5 से 6, आपको वहाँ का फॉर्म आपको फिल कर लेना है। आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार का कोताही नहीं करना है, आपको फॉर्म फिल कर लेना है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा।
और एक आपको बात बतला देना चाहता हूँ, अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टा आईडी ब्राइट एक ब्लॉग आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसको फॉलो करेंगे आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी कॉलेज का तो हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएंगे इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।